हेलो बच्चों तो मैं रजी अख्तर हूं और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेकेंड लेक्चर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जैसा कि आप जानते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों और इसके कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है तो फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं पेन पेपर लेकर बैठना और फिर बहुत स्लो मोशन में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैंकली स्पीकिंग ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है लेकिन अगर आप इसको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको परेशानी हो सकती है तो लास्ट क्लास में मैंने आपको के पी एंड के सी के डेफिनेशन के अबाउट बताया था आज हम लोग स्टैब्लिश करेंगे रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी तो जो बच्चे एलेवं क्लास में है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी नहीं आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो देख लीजिए एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया ए ए बी बी गिव सी सी एंड डी डी ठीक है यहां पे जो आप ए बी सी एंड डी देख रहे हो दीज आर व्हाट बताइए इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं स्टेचोमेट्रिक है कोफिशियंट और ए बी सी डी जो कैपिटल है वो आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है रिस्पेक्टिवली तो जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा था बच्चों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन सी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉट प्रोडक्ट रेज टू दावर इट एंड कोफिसरली प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू दावर इट्स स्टोक्योमेट्रिक कोफिस तो इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट आपके पास ये है सी और डी तो इनका कॉन्सेंट्रेशन आपने बनाया और टू द स्मॉल सी फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी का पावर स्मॉल डी नीचे जब आप रिएक्टेंट साइड में आओगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी कर दिया हमने तो तो ये ये इसको मान लेते हैं फिलहाल इक्वेशन इक्वेशन नंबर लिखा इन टर्म्स ऑफ तो यहां पर केसी क्या है बच्चों तो केसी को आप कहते हो इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कंसेंट्रेशन के टर्म में इक्लेब्रियम कॉन्सटेंट केसी कहलाएगा और जो बॉक्स में आपने लिखा है ए बी सी डी दीज आर वॉट कंसंट्रेशन एट इक्म तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी एंड डी ये क्या है ये कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों एट इक्लिब्रियम इसको आप मोल पर लीटर में लिखोगे सोल्यूशन के केस में और अगर गैसेस फेज में है तो आप इनको एटमोस्फियर पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखते हो ठीक है आइए देखते हैं आगे

कॉन्सेंट्रेशन ये जो सी हमने लिखा है वो कॉन्सेंट्रेशन है जिसको आप मोल पर लीटर या मोल भी कह सकते हो इन्हें आप मोल भी कह सकते हो तो P इक्वल टू सी आर टी मतलब कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर में रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस आइडियल गैस इक्वेशन तो आप देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या लिखोगे बच्चे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इन टू आर टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इन टू आर प्रेशर ऑफ डी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इन टू आर टी तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया कॉन्सेंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर में पार्शल प्रेशर ऑफ एक्वल टू सी आर टी पार्शल प्रेशर ऑफ बीवल टू सी सी आर टी सॉरी ये आपके पास बी है बच्चों स्मॉल बी लिखे यहां पे है ना और पार्शल प्रेशर सी इक्वल टू सी सी आर टी और पार्शल प्रेशर ऑफ इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू सी डी आर टी ठीक है बच्चों अब फिर से आप इस हाइपोथेटिकल इक्वेशन को लिखिए ए ए बी बी गिव सी सी एंड जी डी अब यहां पर केप लिखो के पी क्या है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ वट पार्शियल प्रेशर आप इन्हें कहते हो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ बोलिए पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर तो आप देखो बच्चे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पावर सी क्योंकि स्टीयोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपने सी लिखा है दूसरा क्या आया पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का पावर डी सिमिलरली रिएक्टेंट साइड आ जाइए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पावर बी ठीक है अब आपको क्या करना है तो देखो बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डी ए बी इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो पीसी के बदले आप लिखोगे सीसीआरटी का पावर सी सीडीआरटी का पावर डी सीआरटी का पावर ए एंड सीबीआरटी का पावर बी तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों इस पीसी के बदले आपने क्या लिखा सीसीआरटी तो देखो सीसीआरटी और पावर सी आ गया नहीं आया इस पीडी के बदले इस पीडी के बदले आपने क्या लिखा सीडीआरटी और इसका होल पावर डी आ गया देखो सी डी आर टी का पावर डी बिल्कुल मुश्किल नहीं है ध्यान से सुनना बच्चे नेक्स्ट जब आप पी ए कहोगे तो पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू सी एर टी सी एर टी का पावर ए सिमिलरली आप देखिए ये सी सी का आरटी सी सी आर सी बी आर का पावर बी करोगे बताइए तो यहां पे सी सी क्या है सी सी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आर तो जानते हो ना ठीक है तो अब आगे क्या करो इस सी 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 डी सी ए सी बी को अलग कर लेते हैं लेट्स सी देखो बच्चे जब आप इसको अलग करोगे तो अब ये सी सी आर का पावर सी आर का पावर सी अलग कर लिया हमने अब इन सब को एक साथ लिख देते हैं इन चारों टर्म्स को सी so सी का पावर सी सी डी का पावर डी अपॉन सी ए का पावर ए सी बी का पावर बी इन टू आर टी का पावर आप जानते हो कि पावर जब ऊपर जाएगा बच्चों तो ऐड होगा तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी डेट इज वॉट सम्बर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट ये टी का पावर हो गया बच्चों तो आप इतने इसको मुश्किल को बार बार क्यों लिखोगे नहीं तो इसके बदले हमने एक टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया दैट दैट इज इज कॉल्ड कॉल्ड डेल्टा डेल्टा एन एन जी तो जी इक्वल टू क्या हो गया सम ऑफ 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 नंबर मोल्स प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट तो आप प्रोडक्ट में देखो कितने गैसेस मोल्स हैं ऐड कर लो रिएक्टेंट में देखो कितने गैसेस मोल्स हैं ऐड कर लो और दोनों को सबसे कर लो इनसे आपको डेल्टा एन जी की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है तो फाइनली अगर आप इस टर्म के बदले डेल्टा एन जी लिख देते हो तो केपी क्या आ गया के सी का पावर डेल्टा एन जी ये रिलेशन आ गया बच्चे नहीं तो केपी क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर के सी क्या होता है बच्चे क्म कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आर क्या है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू आपको याद है क्या यस टू वनोलो पॉइंट जीरो एट टू वन पी विजिकल टू एनआरडी होता है ना तो आप क्या कहेंगे आ, P का मतलब एटमोस्फियर लीटर ठीक है और नीचे क्या लेके आ रहे हो पर कैल्विन पर मोल ठीक है और टी क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर देखो बच्चे आर के साथ जब भी टेम्परेचर यूज करेंगे आप कैल्विनचर यूज करना एब्सोल्यूट करनाचर यूज करना ठीक है अगर डिग्री सेल्सियस है तो आप उनको 273 ऐड कर लेंगे उसमें तो आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर मिल जाएगा तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि के और के में कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा इतना करोगे तो आपको थ्री मार्क्स मिलेगा स्कूल एग्जाम में क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है बच्चों नहीं और कॉम्पिट एग्जाम में इस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं तो आई होप आपको के और के में रिलेशन समझ में आ गया आगे देखिए क्या है इसका एप्लीकेशन अगर डेल्टा एन की वैल्यू जीरो है मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दोनों सेम हो तो डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो आएगी और और इन दैट केस बच्चों के पी केसी दोनों बराबर हो जाएगा समझ में आया कि नहीं आया अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो है मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट दोनों बराबर हो जाए case, इन दैट केस डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो तो के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा केसी अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई So, Kp be, Meaning, Kp value, than zero, तो केपी गर्दन कैसी होगा बच्चों मतलब केपी माइनस के सी कुछ मिलेगा आपको सिमिलरली डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर लेस देन तो तो लेस देन हो जाएगा ये तीन जीरोप्ट आपको याद रखना होगा कि डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो है तो के पी तो और के सी बराबर होगा डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर गर्दन जीरो है तो के पी गर्दन कैसी हो जाएगा बच्चों और अगर लेस देन है तो केपी लेस देन कैसी हो जाएगा गेटिंग इट और Not. तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर समझ में आ रहा होगा अब धीरे धीरे आगे चलते हैं अब देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है H2 I2 gives 2HI. आपने एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को गैसेस फॉर्म में एक मोल आइड्रीन मॉलिक्यूल से गैसेस फॉर्म में रिएक्शन कराया तो आपने देखा कि आपको टू एच आई मिला गैसेस फॉर्म में एट इक्म तो क्या आप डेल्टा एन जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो ऑफकोर्स यस yes. कैसे कैसे बच्चों देखिए टू मोल्स है वन प्लस वन तो टू माइनस टू इक्वल टू जीरो आ टू 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 तो गया जीरो अब आइए लॉ ऑफ मास एक्शन से के पी इक्वल टू के सी इक्वल टू क्या लिखते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू एंड आई टू तो आप देखिए मोल पर लीटर का स्क्वायर अपॉन मोल पर लीटर इन मोल पर लीटर कैंसिल हुआ और के सी बना यूनिटलेस

दोनों बराबर होगा बच्चों बताइए समझ में आया के नहीं गेटिंग इट और नॉट तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग पीसीएल फाइव डिकम्पोज होता है तो आपको मिलता है पीसीएल थ्री प्लस सी एल टू पीएसएल पी सेल फाइव आफ्टर डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसिस पीसीएल थ्री प्लस सी एल टू तो here के सी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू लॉ mass ऑफ PCl3 सेक्शन पी सी एल थ्री सी एल टू पी सी एल फाइव तो ये क्या है मोल पर लीटर और ये भी क्या है मोल पर लीटर और नीचे मोल पर लीटर एक कैंसिल कर दीजिए तो यूनिट आ गया मोल पर लीटर तो के सी इक्वल टू आपको मिलेगा मोल पर लीटर और के पी इक्वल टू मिलेगा आपको ए टी एम तो चूंकि डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हो तो डेल्टा एन जी की वैल्यू टू माइनस वन दैट इज़ वन पॉजिटिव है तो आप के भी गर्दन के सी करेंगे तो देखिए डेल्टा 1 है, तो के टू क्या लिखते हो के सी आर पावर वन इसका मतलब के सी में कुछ ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तब केपी का मुकाबला करेगा इसका मतलब केपी देन क्या हो गया बच्चों अरे बोलो यार के सी एक और एग्जाम्पल देखिए N2 टू प्लस थ्री टू गिव टू एन प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया तो आप के सी टू क्या लिखोगे अमोनिया का स्क्वायर क्या है? Per liter और into टर्म में देख लीजिए यूनिट मिलेगा बच्चो देट विल बी के सी लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर और डेल्टा एनजी के वैल्यू टू माइनस फोर दाइनस टू नहीं फिर अगर आप इन टर्म्स ऑफ केपी देखोगे तो एटमॉस्फेयर इनटू एटमॉस्फेयर अपॉन एटमॉस्फेयर और लीटर का पावर क्यूब सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका क्या एटीएम टू दी पावर माइनस टू समझ में आया कि नहीं आया भाई ठीक है तो अब आप केपी इक्वल टू केसी आर टी का पावर माइनस टू है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप केसी लिखोगे तो केसी इक्वल टू आ जाएगा बच्चों ये आर सॉरी केपी स्क्वायर हो जाएगा ना इसका मतलब यहाँ पे गर्द केपी है बच्चों देख लीजिए केपी की वैल्यू एक्सीड करेगी एज कंपेयर टू के सी यूनिट क्या बच्चों पावर टू और यहां पे लीटर स्क्वायर ठीक है एक और एग्जाम्पल आपके पास है टू एसओ टू प्लस ओ टू गिव्स एसओ थ्री सल्फर डाइऑक्साइड का डेडमेट किया एस ओ थ्री ये भी गैसेस फॉर्म में है तो, तो according to law of mass section, के सी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन सल्फर का स्क्वायर अपॉन सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड का स्क्वायर अपॉन सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ओ टू सॉल्व करिए के सी इक्वल टू तो आ जाएगा लीटर पर मोल और के पी इक्वल तो टू ए टी एम इनवर्स क्यों डेल्टा एन जी इक्वल टू तो माइनस वन है और अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव हो तो के सी की वैल्यू के पी से ज़्यादा होगी के पी देन के सी समझ में आया के नहीं बच्चों तो अब आप इस पे किसी भी क्वेश्चन पे ऐसा कर सकते हो आगे देखते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके लिए है बहुत सिंपल सा है कि ये आपके पास इथाइल एसीटेट है इनका आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया एसेटिक मीडियम में तो आपको दो प्रोडक्ट मिला एक एसेटिक एसिड और दूसरा इथेनॉल तो ये आपके पास एसेटिक एसिड है और दूसरा आपके पास इथेनॉल है इक्लिब्रियम आ गया बच्चों कहा गया कि फॉर द गिवन इक्लिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रू है टू इंटू टेन का पॉवर माइनस टू बैकवर्ड के लिए आप इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट फाइन करिए याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको के सी इक्वल टू क्या बताया था रेट कॉन्स्टेंट फॉर फॉरवर्ड अपॉन रेट कॉन्स्टेंट फॉर बैकवर्ड ठीक है तो आप देखिए तो के एफ की वैल्यू टू इंटर माइनस टू और बैकवर्ड के लिए है फोर इंटी टू माइनस फोर सॉल्व करिए क्या आ जाएगा फिफ्टी तो के सी इक्वल टू तो क्या आ गया बच्चों फिफ्टी फॉर दिस रिएक्शन गेटिंग इट और नॉट तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था आपका कि रेट कॉन्स्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन आपको दिया गया है तो दोनों के रेशियो से ही आप के की वैल्यू फाइंड करते हो जिसको आप इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कहते हैं तो केस कांस्टेंट इक्वल टू क्या आ गया 50 आगे देखते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप क्या है ये तो जब आपने नाइट्रोजन का ट्रीटमेंट किया हाइड्रोजन से फिर आपको क्या मिला अमोनिया ये हैबर्स प्रोसेस कहलाता है बच्चों तो नाइट्रोजन प्लस थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन गैसेस फेज प्रोड्यूसेस टू मोल्स ऑफ अमोनिया आल्सो इन गैसेस फेज कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड अमोनिया आर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का मतलब इक्विलिब्रियम डेवलप होने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हुआ वो क्या है 0.5 मोल पर लीटर आपके पास से बच्चों नाइट्रोजन 2 मोल पर लीटर आपके पास हाइड्रोजन एंड 4 मोल पर लीटर आपके पास है अमोनिया आपसे आप कहा गया देन फाइंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट तो के फाइंड करिए तो याद करो बच्चों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस्ट टू दावर इट स्टोमेट्रिक अपॉन समरी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेक्टेन रेस्ट टू दावर इट स्टोचोमेट्रिक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का पार क्यू देखिए है ना तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपने लिया है देख लीजिए बच्चों ये है फोर इंटू टेन फोर मोल्स तो फोर इंटू फोर हो गया और नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपका क्या है जीरो पॉइंट फाइव एंड टू ठीक है तो आप इसको सॉल्व करिए के सी की वैल्यू आपको मिलेगी बच्चों 16, बहुत ही सिंपल एकदम स्कूल लेवल कॉन्सेप्ट है ये स्कूल में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एलेवेंथ क्लास के एग्जाम में ठीक है नीट में भी आ सकता है नीट में भी आ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं सिंपल से आगे देखते हैं बच्चों फिर से एकदम कॉन्सेप्ट बेस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड एच आई आर जीरो दिया गया है वो पार्शियल प्रेशर के टर्म में कॉन्सेंट्रेशन गिवेन है बच्चों द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड एच आई आर कितना जीरो पॉइंट वन वन एंड टू ए टी एम रिस्पेक्टिवलीपी फॉर द रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए केपी आप फाइंड करिए तो क्या आप इसे सोच सकते हैं तो देखो बच्चों रिएक्शन क्या है H2 टू प्लस आई टू गिव टू एच आई तो रिएक्शन है H2 टू एंड आई को मिलाया तो आपको मिला टू एच आई अच्छा के पी के लिए क्या लिखते हो आप चूंकि आपको के पी फाइन करना है तो कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शल प्रेशर लेना होगा तो पार्शल प्रेशर के टर्म में कंसनट्रेशन कैसे लिखते हो आप पार्शल प्रेशर ऑफ एच आई का स्क्वायर अपॉन पार्शल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एच कितना है देखिए टू तो टू इंटू टू अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जीरो पॉइंट फाइव है बच्चों और जबकि आयोडीन आपका वन है है ना तो टू इंटू टू अपॉन जीरो पॉइंट फाइव इंटू वन पॉइंट हटाइए ऊपर जाएगा टेन तो आपको क्या मिला टू इंटू इन टेन और नीचे क्या है भाई फाइव तो फाइव टू जा टेन हो गया तो ये टोटल आ गए एट समझ में आया कि नहीं आया बच्चों तो ये भी एक सिंपल बेस्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था अब आइए मोर अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और हमें जानना होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो कहा गया मोर अबाउट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट तो केस वन में कहा गया है कि इफ केमिकल रिएक्शन इज रिवर्स्ड तो इक्लिबम कॉन्स्टेंट इनवर्स अगर आपने केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो जो इनिशियल इक्लिबम कॉन्स्टेंट होगा वो अब इनवर्स हो जाएगा वन बाई में आ जाएगा बच्चों तो आप देख लीजिए एच टू प्लस आई टू गिव टू एच आई मान लीजिए इसका इक्लिबम कॉन्स्टेंट के वन है देखिए ध्यान से एच टू प्लस आई टू को जब आपने मिलाया तो आपको टू एच आई मिला इसका इक्लिबम कांस्टेंट K1 है अब 2Hi एच आई इक्लिबम करे पे जब रिवर्स कर दिया आपने तो 2Hi एच आई गिव्स एच टू प्लस आई टू और एकबम कांस्टेंट क्या आ गया K2। अगर आप इसमें रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे तो K2 टी यू टू क्या आ जाएगा इनवर्स हो जाएगा इनिशियल इक्लिबम कॉन्स्टेंट तो के टी यूकल टू वन बाई के वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं क्या याद रखोगे कि अगर रिएक्शन को आपने उलट दिया रिवर्स कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वन बाई के में आ जाएगा तो 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 इनिशियली अगर आपने माना है, तो के टु टु वन बाई के वन हो जाएगा बच्चों। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे, है ना? एक और है अगर आपने पे को सर्टेन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया ध्यान सुनो अगर आपने इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को इक्विलिब्रियम रिएक्शन को, एकलौन्सेट को सर्डन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वो फैक्टर नए कांस्टेंट पे पुराने के लिए पावर बन जाएगा तो जैसे देखो ये आपके पास है टू एच आई गिफ्ट एच टू प्लस आई टू है ना इस इक्वेशन को आपने दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर एच आई ये क्या बन जाएगा बच्चे दो से मल्टीप्लाई किया टू एच टू प्लस टू आई टू अब जो इस इक्वेशन इस के लिए आप के टू लिखोगे इनिशियल का ये पावर हो जाएगा आप जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे वो इसका पावर बन जाएगा अगर आपने दो से मल्टीप्लाई किया तो टू दी पावर टू हो जाएगा थ्री से मल्टीप्लाई किया तो थ्री और फोर से मल्टीप्लाई किया तो फोर और मान लो आपने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो टू एच आई को आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो एच आई बचा बचो ये आपके पास आया हाफ एच टू एंड हाफ आई टू तो यहाँ पे के थ्री इक्वल टू आएगा के वन का पावर हाफ क्योंकि आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट होता है बच्चों तो के थ्री टू स्क्वायर रूट ऑफ के वन आ जाएगा क्या ये समझ पा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी बच्चों अगर आपने रिएक्शन को सर्टेन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वो पावर हो जाएगा भी। ठीक है उसी तरह से केस थर्ड भी आपको देखना होगा कि अगर आप किसी रिएक्शन को मोर देन वन स्टेप्स में कैरीड आउट करते हो तो मान लीजिए आपने ए टू बी गए से B बनाया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिला K1 मिला बी टू सी के टू सी टू डी के थ्री अब कहेगा ए टू डी बताओ तो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों के फाइन एक इक्वेशन ये देखिए यहां पे ए टू डी क्या है डायरेक्ट और यहां तक पहुंचने के लिए आपने तीन स्टेप बनाया तो ईच स्टेप में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेवलप होगा वो इनके इनके बराबर कब होगा जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे नहीं तो प्रोडक्ट ऑफ दीस थ्री इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू फाइनल इक्वेशन जो आप डायरेक्ट ए टू डी आ रहे हो तो k इक्वल के, के वन इंटू के टू इंटू के थ्री इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे समझ में आएगी नया ना भाई नहीं तो देखो इस इसपे जो नीट में क्वेश्चन आते हैं बच्चों आई डी मेन्स में क्वेश्चन आते हैं इवन आपके स्कूल में भी आ सकता है जैसे देखो एक आ, सिंपल सा क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी है कि फॉर द रिएक्शन टू एच आई गिफ्ट एच टू प्लस आई टू इसवेशन को देखिए फॉर द इक्वेशन टू एच आई गिफ्ट एच टू प्लस आई टू के सी है इसका फोर्टी नाइन अब कह रहा फाइंड फॉर दिस इक्वेशन तो आपने क्या किया पहले तो रिएक्शन को रिवर्स किया तो आपका 1 by 49 हुआ, फिर उसी को आपने से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैसी डेक्ल टू ये आ गया बच्चों वन बाई सेवन क्योंकि जैसे आपने इसको रिवर्स किया वन बाई फोर्टी नाइन हुआ हाफ से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट आ गया तो फोर्टी नाइन का स्क्वायर रूट क्या होता है सेवन ठीक है आगे देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ के पी एंड के सी फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन इस रेशन के लिए आपको के पी और के सी का रेशियो निकालना ऐसे क्वेश्चन आपको स्कूल्स में मिल सकते हैं बच्चों नीट में भी मिलेगा तो एन गैस प्लस हाफ ओ टू गिव्स गिप्स एन ओ टू डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आई माइनस हाफ तो के पी इक्वल टू के सी आर टी का पावर माइनस हाफ तो के पी अपॉन के सी यहां लाओगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर टी समझे क्या एक लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं एच टू प्लस आई टू गिफ्टच आई डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या सी इक्वल टू वन दैन यरली एन टू प्लस थ्री एच टूट टू डेल्टा एनजी की वैल्यू माइनस टू है बच्चो तो केपी आर टी का पावर माइनस टू देखो कितना सिंपल है के पी अपन स्क्वायर हो जाएगा नहीं तो ये था लेक्चर नंबर टू जिसमें आपने के पी और के सी के बारे में बहुत कुछ सीखा नहीं जो नेक्स्ट क्लास होगा दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसमें मैं लॉ ऑफ मास एक्शन पे बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त न्योमेरिकल uh, प्रॉब्लम कराऊंगा बच्चों ठीक है फिर आप देखेंगे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्या ली चैटलियर्स प्रिंसिपल तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट्स बना के आप इसको स्टडी कर लो बच्चों नहीं ये दोनों लेक्चर्स को लेक्चर नंबर वन एंड लेक्चर नंबर टू दोनों को अच्छे से आप स्टडी कर लीजिए फिर थर्ड लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा नहीं अगर आप चाहते हो कि आपको हंड्रेड रिजल्ट मिले तो एक बार आपको एनसीआर भी लाइन टू लाइन खुद से पढ़ना होगा पेशेंस के साथ आराम आराम से स्लो मोशन में ठीक है और कॉन्सेप्ट बनाइए एक तो यहां वीडियो देखने के बाद भी बनाओ और दूसरा आप एनसीआर को पढ़ने के बाद भी एक हाइब्रिड नोट बना लो फिर उनमें शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो जो जो फॉमूला है जिसको आप भूल सकते हो जो जो कॉन्सेप्ट है जिसको आप भूल सकते हो और उसको बार बार रिवाइज़ करते रहिए और इस पर मैक्सीम से मैक्सिमम आप जितना आप बना सकते हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिए क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी गेटिंग माई पॉइंट और नॉट ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है अपना ख्याल रखना बच्चों बाय